पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात का नया स्केड्यूल जारी कर दिया। मैट्रिक का इम्तिहान 25 मई से लिया जाएगा, इंटर का इम्तिहान 3 जुलाई से शुरू होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगा कीजिएगा। जो क्या सराइयां लगाई जा रही थी कि इम्तिहान जो हैं वो आगे चले गए हैं, तो इस हवाले से पंजाब बोर्ड ऑफ कमेटी ऑफ चेयरमैन का इजलास जो है 9 अप्रैल को जो है वो मुनक्कद हुआ, और इसमें अहम फैसले किए गए कि मैट्रिक के इम्तिहान अब 4 मई के बजाय जो है वो 25 मई से जो है उनका बाकायदा तौर पर आगाज किया जाएगा, जबकि जो इंटरमीडिएट के इम्तिहान हैं उनका आगाज जो है वो 3 जुलाई से किया जाएगा। और ये इम्तिहान जो है जब शुरू होंगे तो 28 रोज के अंदर अंदर जो है इम्तिहान जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे, और इस हवाले से मैट्रिक के नतज का ऐलान जो है वो 20 सितंबर को जो है उनका ऐलान किया जाएगा, जबकि इंटरमीडिएट के इम्तिहान के नतज का ऐलान जो है 21 अक्टूबर को किया जाएगा। और इस हवाले से पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया, ताकि पंजाब भर में जो 40 लाख तलबा हर साल मैट्रिक के इम्तिहान में शिरकत करते हैं, तो उन तलबा की आसानी के लिए जो है और उन तारीखों का ऐलान कर दिया गया, ताकि तलबा जो है अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकें, क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान में ज्यादा तादाद में तलबा इम्तिहान देते हैं, तो इस हवाले से शेड्यूल पहले से जारी कर दिया जाता है, ताकि बच्चे किसको किसी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी, किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका।